चलिए आज हम पढ़ रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर में ग्रेडिएंट्स के बारे में। तो ग्रेडिएंट्स की क्या मीनिंग होती है? ग्रेडिएंट मीन्स कलर शेड्स। ठीक है, कलर शेड्स को हम कंप्यूटर साइंस ग्राफिक डिजाइनिंग में कहते हैं ग्रेडिएंट्स। तो शेड्स तो आपको पता ही है कि दो या दो से ज़्यादा कलर से मिलके बनते हैं, तो कम से कम भी ग्रेडिएंट में दो कलर तो होना लाजमी है। फिर तीन कर लें, चार कर लें, पाँच कर लें, वो जितना आप करेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन दो कलर तो मिनिमम इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। अब ग्रेडिएंट को यूज़ करने का तरीका क्या है? देखिए, उसके लिए आपको एक स्वेचेस का पैनल चाहिए होगा, एक ग्रेडिएंट का पैनल चाहिए होगा और एक कलर का पैनल चाहिए होगा। इन तीनों पैनल्स को अलग से आप ले लें और इनका एक अरेंजमेंट बना लें, जैसे कलर स्विचेस और ये ग्रेडियंट को आप इस तरह से ऐड कर लें। उसके बाद बाकी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, और इनको यहाँ से इसको ऑफ कर दें और उसको उठा के यहाँ पे ये रख लें। ठीक है, तो ये इस तरह का आपने पैनल सेट बना रखा है। पहले लिया मैंने कलर, देन स्विचेस एंड देन ग्रेडियंट, और ये तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कलर्स, ग्रेडियंट एंड स्विचेस। ठीक है, अब आपने ग्रेडियंट कैसे देना है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मैंगो का। तो हमने यहाँ से एक शेप लिया और इसको इस तरह से क्लिक किया, क्लिक करके हमने इसको इस पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कर दिया, और रखने के बाद इसको मैंने इस तरीके से रख लिया, क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको ऊपर कर दिया थोड़ा सा, और ये देखिए हमने मैंगो का शेप बना लिया। अब मैंगो के शेप का जो बेसिक कलर है वो येलो है, वो हम इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, तो ये येलो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब लेकिन ये बेसिक पूरा तो एक मैंगो लग नहीं रहा है कि इसका शेप है, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ओरिजिनलिटी लाने के लिए इसमें ग्रेडियंट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा और इसको देना पड़ेगा। ठीक है, या कोई भी ऐसा कलर शेड्स जो आप उस पर डालना चाह रहे हैं उसके लिए हवाले से कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट में जो कलर शेड्स हैं, जब आप किसी शेप पर लगाते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने एक शेप बनाया स्क्वायर में, या कोई आपने शेप बनाया यहाँ से सर्कल में, या फिर आपने कोई शेप बनाया यहाँ से पॉलीगॉन बनाया, यहाँ से इस तरह से कोई भी शेप बनाया डिफरेंट किस्म के, तो वो शेप आपको इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे। अब इनके अंदर ग्रेडियंट कैसे ऐड करा जाए? अच्छा, देखिए, अब सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, अब यहाँ से इसको जूम कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कलर्स के, तो यहाँ से जैसे आप कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा, क्योंकि इसके फिल एरिया को यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आपने एक तो ग्रेडियंट्स में आके बने बनाए ग्रेडियंट्स देख लेने कौन से हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो ये ग्रेडियंट्स के ऊपर अप्लाई हो गया, ये और शेड ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, ये समर वाला ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट एंड ब्लैक का ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, और इसके अलावा और भी ग्रेडियंट्स हैं जो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं या डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी का ग्रेडियंट बनाना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए, ग्रेडियंट जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ग्रेडियंट में आपको दो आपको स्टॉप्स नजर आएंगे, एक स्टॉप ये रहा और दूसरा स्टॉप ये रहा। एक स्टॉप में दूसरा कलर है और दूसरे स्टॉप में दूसरा कलर है, और इस स्टॉप पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये देखिए, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अगर बीच में आपने क्लिक कर दिया तो एक और स्टॉप ऐड हो जाएगा, और फिर क्लिक कर दिया तो एक और स्टॉप हो जाएगा, तो जितने चाहे स्टॉप ऐड कर सकते हैं। पहले स्टॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको कोई कलर दे देते हैं। सपोज टू बी इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर से कोई कलर दे देते हैं, या फिर यहाँ पे से कोई चूज कर लेते हैं कोई कलर, देखें इस तरीके से वो कलर, लेकिन वो कलर तो पूरे पे अप्लाई हो जाता है, फिर ग्रेडियंट्स पे अप्लाई नहीं हो पाता। तो फिर ऐसा कर लें कि आप यहाँ से पहले एक कलर ले लें, उसको पकड़ के लाके ग्रेडियंट पे छोड़ दें। ठीक है, और फिर दूसरा कलर स्टॉप पकड़ें और उसको लाके यहाँ ग्रेडियंट पे छोड़ दें। बाकी अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो इसे पकड़ के नीचे डिलीट कर दें, या फिर उस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दें, या फिर उस पर क्लिक करके उसको यहाँ से डिलीट कर दें। तो ये देखिए, इस तरह से ग्रेडियंट एक हमने बना लिया। एक साइड पर मैंने लाइट कलर रख लिया और एक साइड पर डार्क रख लिया, और ये इसका ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट को अप्लाई करने में दो कलर शेड्स हैं, एक लीनियर है और एक रेडियल है। ये लीनियर स्टाइल है इसका, ये इसका रिफ्लेक्टेड स्टाइल, ये दूसरा नया कोई स्टाइल है इसका। तो लीनियर स्टाइल के जरिए हम इस पर अप्लाई करते हैं, और ये इसका रेडियल स्टाइल है। लीनियर और रेडियल में फर्क ये है कि लीनियर में कलर आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए एक कलर से दूसरे कलर में जाते हैं, जबकि रेडियल में वो कलर गोल गोल घूमते हुए एक कलर से दूसरे कलर में जाते हैं। जैसे कि अगर रेडियल हम अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा सूट करेगा इस तरीके से। जैसे कि मैंने इसका एक लाइट कलर लिया, यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट कर लें। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए फिर सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से लाके इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे डार्क पे, और इसको यहाँ पे रखेंगे और क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे से डिलीट करेंगे, और इसको यहाँ पे से डिलीट करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे, आगे करेंगे, और इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये लाइट और डार्क हो गया। इसको हमने रेडियल कर दिया। अब रेडियल करके देखिए, बिल्कुल सेंटर से ही कलर इस तरह से लाइट से डार्क में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगर आप इसको पकड़ के यहाँ ले जाएंगे और इसको पकड़ के यहाँ ले आएंगे, तो ये देखिए आपको इस तरीके से नज़र आने लग जाएगा कि ये इस तरह से
बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर इस मैंगो के ऊपर हमें लगाना है तो ग्रेडियंट, तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इसको भी हम दो कलर के साथ बना लेते हैं, एक इस पर ऑरेंज डाल देते हैं और इसके साथ एक येलो कलर डाल देते हैं। अब चूंकि ये एक शेप इस तरह का है, इसके ऊपर रेडियल वाला जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा मज़ा नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे इसको क्लिक करके कन्वर्ट कर देंगे इसको अंदर लीनियर के अंदर। तो ये देखें इस तरह से, अगर आप रेडियल में करते हैं तो फिर रेडियल में आपको ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट इसका, ये मूव करना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं मूव, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट का टूल है। जैसे हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे और ग्रेडियंट टूल लेंगे तो ये ग्रेडियंट टूल हमें मिल जाएगा। इस ग्रेडियंट टूल की मदद से हम इसके जो शेड इफेक्ट्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह अगर इस बॉल की बात की जाए तो इस बॉल पे भी क्लिक करके, ग्रेडियंट पे क्लिक करके इसके शेड इफेक्ट को भी चेंज किया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसको ही हम इसकी ऑल्टर के साथ डुप्लीकेट ले लें और इसकी ग्रेडियंट इफेक्ट को चेंज करना हो, तो अब हम इस पर क्लिक करके इसका डार्क इफेक्ट यहाँ कर देते हैं और इसका लाइट इफेक्ट यहाँ कर देते हैं, और उसको करने के बाद यहाँ पर से ग्रेडियंट लेते हैं और इसके बाद यही इफेक्ट जो है हम इसको यहाँ से भी इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरह के ग्रेडियंट इफेक्ट से कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स। चले हमने एक लास्ट टाइम गूगल क्रोम का लोगो बनाया था, उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और उसके ऊपर ग्रेडियंट शेड्स लगा के उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं गूगल क्रोम का लोगो बनाने के लिए, हम यहाँ से इसको एलिप्स पे क्लिक करते हैं और एलिप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक 300 पिक्सल बाय 300 का एक सर्कल ले लेते हैं। अब इस सर्कल को हम अंदर से भी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, हम इसको अंदर से खाली कर देते हैं। तो यहाँ से नो फिल कर दिया और आउटलाइन पे जाके मैंने यहाँ से इसको एक आउटलाइन दे दी इस तरह की, ठीक है, बारीक से एक आउटलाइन दे दी। एक दूसरा शेप बनाया जो मैंने 100 पिक्सल पे बना रहा है, तो 100 बाय 100 पे क्लिक कर दिया और एक और शेप बन गया। और उसके बाद एक और शेप बनाया जो मैंने 50 बाय 50 पे बना दिया, तीन शेप हो गए। तीनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से, सेलेक्ट करके इसको बेसमेंट बनाया, बेसमेंट बना के लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम सेंटर करके इसे सेट कर दिया। इसके बाद एक क्रॉस लाइन ली यहाँ से क्लिक करके, और उसको क्रॉस लाइन को किस तरह से गूगल शेप्स के तीन हिस्सों में डिवाइड करना है उसको मैंने इस तरह से लगा दिया, ठीक है, जिसमें कोई हिस्सा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया तो उसको आप सेट कर लीजिएगा। इसके बाद क्लिक करके इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको थोड़ा लार्ज किया और यहाँ से शेप बिल्डर लेके पहले हमने इनके टुकड़े किए बगैर किसी के, क्लिक किया एक टुकड़ा, दूसरा पीस, तीसरा पीस। अब डिलीट करने के लिए ऑल्टर होल्ड किया, पहला पीस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, और अंदर से हमने इस पर क्लिक किया जाके सीधा, थोड़ा जूम कर ले, इस पर क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया, इस पर जूम किया तो ये डिलीट हो गया। ये सब मैं अल्टर दबा के कर रहा हूँ, जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाना है, थोड़ा ऊपर गया, अल्टर छोड़ दिया, फिर दोबारा से जूम किया और इस पर क्लिक कर दिया तो ये भी यहाँ से डिलीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये पीस हमारे निकला है, तीन पीस। तो तीन पीस हमें निकालने थे इसलिए हमने शेप बिल्डर के जरिए निकाल दिए। अब इसके बेसिक कलर निकाल देते हैं, बेसिक कलर है रेड, ग्रीन और येलो। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसको रेड कलर दे दिया, और इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने येलो कलर दे दिया, और इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने कौन सा कलर दे दिया, ग्रीन कलर दे दिया। ओके, अब शेड किसका डालना है, रेड को ऑरेंज बनाना है तो ये ऑरेंज का ग्रेडियंट डालना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये रेड डाला और रेड का ऑरेंज ग्रेडियंट डाला, यहाँ पे क्लिक करके एक तरतीब बना लें कि लाइट कहाँ पे रखना है, डार्क कहाँ पे रखना है। वेदर आपकी मर्जी है, लाइट इधर रख लें, डार्क उधर रख लें, या लाइट इधर रख लें और डार्क कलर को इधर रख लें। उसके बाद कलर शेड्स बना लें, इस पे लीनियर शेड अप्लाई करना है, लीनियर कर दें। ये एक बीच का इनका सिलेक्टर है जिससे आप कहाँ पे कौन सा कलर ज़्यादा करना चाहते हैं, किसकी क्वांटिटी कम करना चाहते हैं, इस तरह से उस कलर के शेड को बना सकते हैं। येलो के साथ ऑरेंज डालेंगे तो येलो का एक ऑरेंज हमने ये वाला ले लिया और एक येलो हमने ये वाला ले लिया, दोनों को रख लेंगे यहाँ पे। अब एक को डार्क पर रखना है, एक को लाइट पर रखना है, तो हमने इसको इधर कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। तो ये देखें इसका शेड निकल आया, ग्रीन के साथ लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का शेड बनाना है तो इसको हमने उठा के यहाँ पर रख दिया, और इसका लाइट ग्रीन वर्जन जो इसी के बराबर में था वो यहाँ पर रख दिया। क्लिक किया इसको यहाँ से और यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ रख दिया और इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, तो ये एक शेड इसका भी बन के आ गया। तो ये देखें तीनों शेड्स बन गए। अब उसके बाद आ जाते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्लिक करके हमने एक लाइट ब्लू लेना है और एक डार्क ब्लू लेना है। तो ये एक ब्लू लिया हमने और ये उसके साथ एक लाइट ब्लू ले लिया, उसके साथ ही ये वाला ले लें, ठीक है। तो क्लिक कर दें इसको यहाँ पे, क्लिक कर दें क्योंकि ये गोल पे शेड बनेगा, तो इसको लाइट को यहाँ किया और उस डार्क को यहाँ किया और उसको रेडियल में अप्लाई कर दिया, तो ये सेंटर पॉइंट में इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब इसको क्लिक करके ऑल्टर के साथ थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि ये सर्किल दोनों साइड से इस तरह का लगे और ये ऐसे नजर आए, ठीक है। तो ये बन गया आपका गूगल क्रॉप का लोगो, और सेलेक्ट करके हमने इसके यहाँ से आउटलाइंस को ख़त्म कर दिया। कलर शेड्स में अगर आपको कुछ मुकालता होता है तो ये वाला टूल लेके आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कलर शेड्स ऐसे पढ़ें, ठीक है, या कलर शेड इस साइड पे पड़े। तो जिस साइड पे कलर शेड चाहिए था, तो मेरा ख्याल तो अंदर की साइड पे सही था क्योंकि सारे शेड्स यहाँ पे आ रहे थे। तो जैसे इसका शेड यहाँ पड़ रहा है, इसका शेड यहाँ पड़ रहा है, इस कलर में थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो ऐसा करें कि इसका डार्क ग्रीन ले लें यहाँ से और इसको यहाँ पे रख दें इस तरीके से, तो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे डार्क आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लाइट इधर आ गया बीच में और साइडों में क्या हो गया,
डार्क हो गया, तो इस पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे लाइट आ गया बीच में और डार्क लगी साइड में, और इस पर भी ऐसे ही करेंगे तो इस पर भी क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट लेके तो यहाँ पर भी इसको इस तरह से कर दिया, तो लाइट आ गया आपका बीच में और डार्क चला गया आपका साइड्स में। तो ये देखिए इस तरह से होके आपका गूगल क्रोम बिल्कुल एक्सेप्ट बन जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों जो आप ग्रेडियंट की मदद से और बेहतर करके खूबसूरत करके बना सकते हैं और उस पर ग्रेडियंट शेड्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इस टेक्निक से आप उनको बना सकते हैं।